देश में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है और हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी का रिकॉर्ड कायम हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 48,616 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 705 लोगों की कोरोना से पिछले 24 घंटों में मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 लाख को पार कर गई है। कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या भारत में 13,85,000 हो चुकी है, जिसमें से 8,85,000 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि अभी भी 4,67,000 लोग कोरोना संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से देश में अब तक 32,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि देश में कोरोना की टेस्टिंग को सरकार बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 25 जुलाई तक कुल 16 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। 25 जुलाई को 84,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों में कुल 4,42,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। ऐसा पहली बार है कि जब सरकारी लैब्स ने रिकॉर्ड लोगों का कोरोना टेस्ट किया है। प्राइवेट लैब्स ने भी टेस्टिंग की संख्या को काफ़ी बढ़ा दिया है। प्राइवेट लैब्स में भी रिकॉर्ड 69,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। देश में कोरोना के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में पुलिस के लोग भी कोरोना की चपेट में हर रोज़ आ रहे हैं। प्रदेश में 8,483 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 93 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। मौजूदा समय में 1,919 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 6,431 पुलिसकर्मी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के कुल मामले 35,000 तक पहुंच चुके हैं, जबकि 621 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में 611 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं उड़ीसा में पिछले 24 घंटों में 1,376 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 तक पहुँच चुकी है।